सो है गाइस, फिर से स्वागत है नया वीडियो लेके। ये रेडमी 3S का सेट है, तो इसमें प्रॉब्लम लॉक है, ठीक है। तो लॉक इसका पता नहीं है, तो इस सेट को हम हार्ड रीसेट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हार्ड रीसेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सेट को स्विच ऑफ कर लो, ठीक है। देखिए दोस्तों, सेट जब स्विच ऑफ हो गया तो आपको ये जो पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन एक साथ क्लिक करके रखना है। ठीक है, आप पावर बटन को छोड़ दो, वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करके रखना है। जब ऐसा ऑप्शन आपको आ रहा है तो यहाँ जो शब्द पूरा चाइनीज राइटिंग है, तो आपको करना क्या है, ये जो देख रहे हैं रिकवर एक ऑप्शन है, उसका नीचे जो एक ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक करना है। इंग्लिश हो गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इस रिकवरी मोड को आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ आपको ओके कर देना है, ठीक है। ऐसा आपको फीचर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये नीचे जो वाइप डाटा है इसमें आपको आना होगा, ठीक है। फिर से आपको एक बार ओके करना है, ठीक है। वाइप ऑल डाटा, ओके कर देना है इसको। फिर से आपको कंफर्म करना है, ठीक है। डाटा वाइप सक्सेसफुल, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको एक बार क्लिक करना है बैक टू मेन मेनू, ठीक है। ऊपर में ऑप्शन रिबूट, ठीक है। फिर से आपको रिबूट कर देना होगा, रिबूट टू सिस्टम, मेरा सेट ओपन हो रहा है, ठीक है। चालू होने में थोड़ा सा लेट हो रहा है यार, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, मेरा सेट अब चालू हुआ, तो रिसेट होने के मतलब हार्ड रिसेट होने के बाद थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यार, बहुत टाइम लगता है चालू होने में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप कर दिया था, तो देखिए अब आपको सेटिंग करना है, ठीक है। इंग्लिश पर है, अब इसको रीजन इंडिया, इंडिया हमारा इंडिया, इसमें आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है यार। स्विफ्ट की कीबोर्ड, इसमें आपको नेक्स्ट करना है। अब नेटवर्क का ऑप्शन आ रहा है, इसमें आपको स्किप कर देना है, ठीक है। फिर से नेक्स्ट, नो कर देना है आपको। अरे यार, इसमें तो थोड़ा सा टच का प्रॉब्लम है। नो कर दिया, आप इसको नेक्स्ट कर देना। फिर से नेक्स्ट, एग्री, यस, नेक्स्ट, सेटअप कंप्लीट। देखिए दोस्तों, सेट मेरा चालू हो गया, अनलॉक हो गया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।